चाहता हूं साथियों, जितने भी एसआई बने ओबीसी से वो हरीश धामी के परिवार से नहीं बने, जितने भी प्रवक्ताओं ने नियुक्ति हरीश धामी के परिवार से नहीं हुए, आपके बीच से हुए। जो बच्चा अगर 42 साल पार गया कर गया था तो वो भी आज प्रवक्ता बना है। जिसने कभी सिपाही बनने की उम्मीद नहीं थी वो आज प्रदेश का दरोगा बन के दोस्त तार लगा के घूम रहा है। हरीश धामी ने नहीं, आप लोगों ने जो 2012 में अपने इस बेटे को अपने सेवक के रूप में काम करने का मौका दिया उसका परिणाम था। हरीश राव जी की सोच थी जिन्होंने क्षेत्र की पीड़ा को देखी। मैं केवल कहना चाहता हूं साथियों, आज अगर इस प्राधिकरण से सबसे अगर ज्यादा प्रभावित कोई होगा तो पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला मुंशियारी के लोग होंगे, क्योंकि यहां पे कोई एससी की जमीन में बसा है तो कोई एसटी की जमीन में बसा है, कोई सामान्य की जमीन में एसटी एससी का भी व्यक्ति बैठा। हम लोगों के बीच कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, हम लोगों के बीच एक आपसी समझौता होता था, एक भाईचारा होता था। मैंने कहा तू मेरा मित्र है, बैठ मेरी जमीन पर बना मकान, हमने मकान बना ली। लेकिन आज ये काला कानून प्राधिकरण कहता है पहले भैया 143 करो, नक्शा पास करो, और नक्शा पास 65,000 रुपए लग रहे। मैंने सुना राम मानते जो एक मंजिला बन गया चलो उसको छोड़ देते, दो मंजिले का पास करते। अब सुनने में आ रहा है ऐसे दलाल बैठ गए प्राधिकरण में, वो कहते हैं कि भैया एक मंजिले का भी नक्शा पास करना पड़ेगा, उसको अलग से जो है टायर लगानी पड़ेगी डबल इंजन के लिए, और टायर पैसे की है, कागजों की टायर नहीं है, वो पैसे की टायर है। तो साथियों इस गूंगी पहरी कुंभकर्णी सरकार को सचेत करना होगा। आज अगर कहीं ना कोई विरोध करता है, अधिकारी को दबाव देते हैं भैया इसको करो, जब जनता उस अधिकारी के विरोध में खड़ा हो जाता है तो कहते हैं भैया इस अधिकारी को हमने सस्पेंड कर दिया। अरे गलती तुम करो और सजा कर्मचारी अधिकारी को दो। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आज ये देश और ये प्रदेश किस ओर जा रहा है? और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में जो हमने काम किए थे उन अभी तो हम शांत पूर्वक यात्रा कर रहे हैं, यह हमारी शांति यात्रा है। अगर लूली गोंगी सरकार, बोरी सरकार, अगर आज हमारे इस वाद्य यंत्रों से इस जनता के 111 किलोमीटर की पद यात्रा से भी अगर सचेत नहीं हुए तो हम खून बहाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम खून भी कर सकते हैं और अपना खून भी बहा सकते हैं, ये प्रशासन और सरकार के माध्यम से इस गोंगी बोरी सरकार को कह देना चाहता हूं। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हैं, अगर ज्यादा दबाओगे आपने आप देख लीजिए किसी पेड़ की टहनी को आप उतना ही दबा सकते हैं जिसकी उसकी क्षमता है। जरूरत से ज्यादा दबाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी या तो टहनी टूटेगा या वो टहनी अगर छटकेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा और दोनों ही तरफ से सरकार का ही नुकसान होगा। मैं कह देना चाहता हूं अब वहां के युवाओं ने बुजुर्गों ने ठान लिए बहुत हो गई भारत माता की जय, बहुत हो गई उत्तराखंड की जय। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम औरों की भी जय करने को तैयार हैं। और मैं उनको भी क्या कहना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्ति की बात कहते हैं। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, 1971 लड़ाई हुए एक सिपाही का बेटा हूं। हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ना मेरे परिवार में कोई राजनीति पर मेरा कोई इतिहास है। मेरे रिश्ते नाते से लेकर जितना ढूंढोगे देश की सेना में जो है सैनिक के रूप में आपको मिलेगा, चाहे मेरी विधानसभा हो या मेरी हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं उन मित्रों को, एक सैनिक का बेटा हूं, लड़के अपना अधिकार लेना जानता हूं। जब अपनी सरकार के खिलाफ काली